अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त और आसान ऑरेंज डिलाइट बनाने वाले हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैकेट दूध का लिया है, आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप चीनी, ऑरेंज एसेंस और इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर, जेली और दो ऑरेंजेस लिए हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा कुछ बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दूध को उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ हम 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के लेंगे और इसे ठंडे दूध में मिक्स करेंगे। आपने इसे ठंडे या रूम टेम्परेचर वाले दूध में ही मिक्स करना है, गर्म दूध में नहीं। अगर गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। मिक्स करने के बाद इसे उबलते हुए दूध में डाल देंगे और मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। हमने उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना है जब तक कि हमारा कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद 1/2 कप चीनी का भी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून ऑरेंज एसेंस का भी ऐड कर देंगे। हमने इसमें एसेंस का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ऑरेंज फ्लेवर आए, क्योंकि मार्केट में ऑरेंज फ्लेवर का कस्टर्ड नहीं मिलता, तो हमने वनीला फ्लेवर में ही ऐड कर दिया। कस्टर्ड रेडी करने के बाद इसे ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद इसे सेट करेंगे। कस्टर्ड को डिश में सेट करने से पहले इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इस पर जो मलाई वगैरह आई हो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। अब डिश में सबसे पहले 1 लेयर कस्टर्ड घी लगा देंगे। चारों तरफ इसे अच्छी तरह से फैला दें, कोई भी कोना बाकी ना रहे। और इसके बाद अगली लेयर हम बिस्किट्स की लगाएंगे, जिनका मैंने चूरा कर लिया था। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर दें और इसके बाद दोबारा एक और लेयर कस्टर्ड की लगा दें। आपने इसी तरह से तमाम लेयर्स लगानी हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद अगली लेयर हम ऑरेंजेस की लगाएंगे, जिन्हें मैंने पीसेस में कट कर लिया था और इनके अंदर से बीज भी रिमूव कर लिए थे। ऑरेंजेस के बाद अगली लेयर हम जेली की लगाएंगे। जेली भी हम ऑरेंज फ्लेवर की ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जेली को चम्मच की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और इसके बाद फैलाएँगे। जेली को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसकी तमाम लेयर हम इस पर लगा देंगे। इसके बाद फिर से कस्टर्ड की लेयर, बस इसी तरह से तमाम लेयर लगाने के बाद डिश को सेट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में हम इसे व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट करेंगे। ये सब ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसे जितना खूबसूरत बनाना चाहें बना सकती हैं, क्योंकि खाना चाहे कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक कि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो खाने वाले को इसका मज़ा ही नहीं आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़े की बनती है और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा।
आखिर में मैंने इस पर रेड कलर की जेली और कटे हुए ऑरेंज के पीसेज रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास रेड कलर की चेरीज हैं तो आप उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये सब आप पर है, आप इसे जितना चाहे खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।